बिहार के पूर्णिया से महाराष्ट्र के औरंगाबाद का क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है धर्म का। ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। उनकी निगाह 20% मुस्लिम वोट पर है और वो सीट टू सीट मार्किंग भी कर रहे हैं। हो सकता है 2024 में भी ओवैसी की सीटें सिंगल डिजिट में ही रह जाएं, लेकिन वो राहुल, उद्धव और तेजस्वी के लाखों वोटों का नुकसान कर जाएंगे, ये तय है। सवाल है कि ओवैसी ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं? ओवैसी का प्लान है क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। देखो, जमीन हिल रही है, हमारा इतिहास जिंदाबाद। बिहार और महाराष्ट्र तक ओवैसी सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने 4 सीटों को मार्क किया है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। महाराष्ट्र में ओवैसी के पास औरंगाबाद सीट पहले से है। 24 के लिए ओवैसी ने अकोला, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, धुले, नांदेड़ और भिवंडी को मार्क किया है। इन 11 लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कंटेस्ट करना करीब करीब फाइनल है। तेलंगाना के बाहर ओवैसी की कार्ट में यही 11 सीटें क्यों हैं? ये भी समझिए। अकोला लोकसभा क्षेत्र में 19.2% मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में अकोला में बीजेपी ने 49.5% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 24.9% वोट शेयर के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी दूसरे नंबर पर रही थी। 22.7% वोट के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी और AIMIM ने साथ मिलकर दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाई थी। महाराष्ट्र में करीब 1,30,00,000 मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 11.56% है। महाराष्ट्र में 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़े प्लेयर्स हैं। औरंगाबाद 21.8%, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल 24.6%, धुले 18%, नांदेड़ 14%, भिवंडी 19%। 2014 में शिवसेना ने 68.3% वोट शेयर के साथ औरंगाबाद सीट जीती थी, लेकिन 2019 में ओवैसी की एंट्री से शिवसेना का वोट शेयर घटकर 32.1% पर पहुंच गया। AIMIM ने 61.8% वोट हासिल किए। बिहार से महाराष्ट्र तक AIMIM के एक्सपेंशन के लिए ओवैसी का फॉर्मूला क्या है? मुसलमानों को इंडी अलायंस से दूर करना, इसलिए वो उन सीटों को मार्क कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी 15% से ज्यादा है। लेकिन ओवैसी के क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा फिट हो रहा है सीमांचल। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूँ, तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। तेजस्वी यादव भाई यहीं पर कहा था, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यही कहा था। हमारी बात को यकीन कर लो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? हजम कर गए तुम उसको भी। बिहार में 40-70% मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल को ओवैसी ने अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है। इस बार ओवैसी तेजस्वी और राहुल को सीमांचल में सबक सिखाने का होमवर्क करके भी आए हैं, क्योंकि 24 में ओवैसी को तेजस्वी से 22 का हिसाब भी बराबर करना है। 2020 में ओवैसी बिहार विधानसभा की 5 सीट जीते थे, लेकिन 2022 में 4 विधायकों को तेजस्वी ने तोड़ दिया। ओवैसी का सिर्फ 1 विधायक रह गया। किशनगंज की बहादुरगंज सीट से विधायक मोहम्मद अंजार, किशनगंज की कोचधामन सीट से इजहार असफी, अररिया के जोकीहाट सीट से शहनवाज और पूर्णिया की वैसी सीट से विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने तेजस्वी का दामन थाम लिया, लेकिन पूर्णिया की अमौर सीट से विधायक अख्तरुल ईमान ने ओवैसी को दगा नहीं दिया। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था,
कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो चार गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया वो हजम कर गए तुम उनको। क्या कहा था तेजस्वी ने कि हैदराबाद से ओवैसी आया, इसको बिरयानी खिलाकर भिजा दो। अरे तेजस्वी, तुमको कभी खाने की जरूरत पड़ गई तो हम अपने घर से भिजाने को तैयार। किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं। चारों विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है। महागठबंधन के MY से M तोड़कर सीमांचल में ओवैसी अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। सीमांचल में चार लोकसभा सीटें हैं, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अररिया में 32%, कटिहार में 40%, पूर्णिया में 41% और किशनगंज में 70% मुसलमान हैं। 2014 में इन सभी चार सीटों पर बीजेपी साफ थी। लालू के महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी, JDU 1 सीट जीती थी। लेकिन 2019 में JDU जब बीजेपी के साथ आई तो किशनगंज छोड़कर सभी सीटों पर NDA जीती। अब सवाल है कि सीमांचल में 2014 रिपीट होगा, 24 में NDA का 4x4 होगा या ओवैसी का मैजिक चलेगा। शुरुआत करते हैं किशनगंज से, क्योंकि 2019 में NDA जो 1 सीट हारी वो किशनगंज की सीट थी। 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने 33.1% वोट शेयर के साथ किशनगंज में जीत हासिल की और बिहार में कांग्रेस का खाता खोला। JDU के मोहम्मद अशरफ 30.2% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन 2019 में ओवैसी ने एंट्री ली। बिहार में AIMIM के मौजूदा अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 26.8% वोट हासिल किए, यानी नंबर 1, 2 और 3 में वोट का मार्जिन सिर्फ 3% के करीब रहा। 19 में ओवैसी की पार्टी सिर्फ किशनगंज के मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार ओवैसी की तैयारी सीमांचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। 2014 और 2019 के नतीजों का फर्क समझिएगा तो आपको ओवैसी का प्लान समझ में आएगा। 2014 में किशनगंज से कांग्रेस के असरालुल हक ने 53.1% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी के दिलीप कुमार जायसवाल को 32.2% वोट मिले थे। तब अख्तरुल ईमान JDU में थे और किशनगंज सीट पर सिर्फ 6% वोट हासिल कर पाए थे। लेकिन 2019 में अख्तरुल ईमान जब AIMIM के टिकट पर मैदान में उतरे तो एकमुश्त 20% वोट बढ़ गया। ओवैसी के झंडे ने अख्तरुल ईमान का वोट 6% से 26% के पार पहुंचाया। ये एक्स्ट्रा 20% कहां से आया ये भी समझिए। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 53.1% था, 2019 में कांग्रेस को वोट मिला 33.1%। हिसाब सीधा है, 20% वोट जो सीधा ट्रांसफर हुआ AIMIM के खाते में। यानी किशनगंज का मुसलमान ओवैसी की पार्टी में कांग्रेस का विकल्प देख रहा है। इस सीट पर मुसलमान जिस तरफ जाएगा जीत वहीं होगी, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है सुरजापुरी मुसलमान। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 70% मुस्लिम आबादी है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी सुरजापुरी मुसलमानों की है। किशनगंज के करीब 80% मुसलमान सुरजापुरी हैं। बिहार में सुरजापुरी मुसलमानों की आबादी करीब 1.87% है। अख्तरुल ईमान और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद भी सुरजापुरी बिरादरी से हैं। सीमांचल की सीटें MY समीकरण का सेंटर हैं। यहां यादव और मुस्लिम आबादी बड़ा उलटफेर कर सकती है। अररिया लोकसभा इलाके में 32% मुस्लिम हैं। 2014 में यहां RJD ने 41.8, BJP ने 26.8 और JDU को 22.7% वोट हासिल हुए थे, और JDU को 22.7% वोट मिले थे। लेकिन 2019 में BJP JDU साथ साथ आए तो BJP को 52.9% वोट मिले। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल। इसकी लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ मुरादाबाद है, अमरोहा है,
और इस इलाके में मुस्लिम आबादी 50% है। मुस्लिम वोट ही नतीजा तय करता है। आज मोदी और योगी दोनों इसी इलाके में एक साथ बैठे हुए थे। दोनों में से किसी ने मुस्लिम वोट की कोई बात नहीं की, मुसलमान शब्द तक नहीं बोला, लेकिन मुस्लिम वोटर को एक मैसेज क्लियर पहुंच गया। संभल में आज ऐसा क्या हुआ जो 2024 का बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार भगवान कल्कि का नाम क्यों दोहराया? मोदी ने क्यों कहा समय का पहिया घूम चुका है, नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है? पहले क्या नामुमकिन था जो पिछले 10 सालों में मुमकिन होने लगा है? कल्कि धाम बनने से क्या होगा? हिंदू सेंटीमेंट इससे कैसे कनेक्ट होगा? मोदी एक दिन में कुछ नहीं करते, जो करते हैं उसको पूरी तैयारी के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ सनातन के प्रतीकों को नहीं समेट रहे, बल्कि सनातन वोटरों को भी अपने साथ जोड़ रहे। मोदी ने पहले भगवान शिव के धामों को विकसित किया, अब भगवान विष्णु के धामों की बारी। कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं। मोदी कल्कि धाम आने से पहले आबू धाबी के मंदिर गए, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं, और अब हम यहां संभल में भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। कल्कि धाम इसलिए भी खास है क्योंकि यहां भगवान के अवतरण से पहले ही उनके मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, जिनमें 9 अवतरित हो चुके हैं और 10वें अवतार का जन्म अभी बाकी है। 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे, जो कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है। श्रीमद् भगवत के 12वें स्कंद में लिखा है, शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े उदार हृदय वाले होंगे। इन्हीं ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। स्कंद पुराण के 24वें अध्याय में भी कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान कल्कि के अवतार लेते ही सत्यों की शुरुआत और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग के 5,126 साल बीत चुके हैं।
और 4,26,875 साल अभी बाकी, यानी कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने में अभी करीब 4,26,875 साल बाकी है। कल्कि के अलावा भगवान विष्णु के 9 और अवतार हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है, दूसरा अवतार कुर्म अवतार है, जिसे कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे। वारह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। नरसिंह भगवान विष्णु के 4th अवतार है। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। भगवान परशुराम 10वें अवतारों में से 6वें हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध को भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर और कल्कि धाम का कनेक्शन बताया, कहा रामलला के विराजमान होने और कल्कि धाम से अगले 1000 सालों तक भारत की नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा।